क्या मामला सर, क्या मामला, क्या रिकवर हुआ? हिंदी हिंदी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 28 केजी हीरोइन और 6 केजी आइस मेथैम्फेटामिन जिसे हम कहते हैं वो बरामद की गई है और इसमें 3 ड्रग ट्रैफिकर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं और बाकी जो 5 और ड्रग ट्रैफिकर्स जिनको नामजद किया गया है एफआईआर में उसकी तलाश जारी है। बाकी इसकी आगे की तफ्तीश में इनके जो लोकल नेटवर्क या और भी इनके जो बाहर के भी जो नेटवर्क हैं उसकी तफ्तीश की जाएगी। आई सर, इस तरह की गर्ल्स है सर, थोड़ा पहले जी बता दें रिकवरी कैसे हुई है, कैसे सामने आया? ये रिकवरी हुई 29 अक्टूबर को एडीजीपी एसटीएफ हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जो हमारे चीफ हैं उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने एआईजी लुधियाना एसटीएफ श्री श्रीदीप शर्मा जी को इन्होंने फर्दर वो इन्फॉर्मेशन पास की और उसकी बेसिस पे एफआईआर लॉन्च की गई और उसी कनेक्शन में जो 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना एक जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे अंग्रेज सिंह और विशाल जो कि जेएन के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे जिन्हें फगवारा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बना के जो रखा गया था वो रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की रिकवरी हुई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई है, एक एंडेवर और एक सियाज। क्या इसका कोई पाकिस्तान से लिंक है? अभी इस स्टेज पे चूँकि हम अभी पुलिस रिमांड में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर जब श्रीनगर से जब वो गाड़ी चली थी तो कौन वो बंदे थे जिन्होंने श्रीनगर में इनको वो कंसाइनमेंट्स हैंडओवर किए। बाकी जो इन्हें जो डायरेक्शंस मिल रही थी कौन वो बंदे हैं जो इन्हें डायरेक्शंस दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में पता लगी। गाड़ी कहाँ की, कैसे वहाँ से लेके आ रहे थे, कैसा था जम्मू कश्मीर से, कहाँ से लेके आ रहे थे? नहीं, गाड़ी तो यहीं से लेके गए थे, गाड़ी यहीं से लेके गए थे और वहाँ से सियाज गाड़ी में उन्होंने उनका जो कंसाइनमेंट वो यहाँ आया, लोकल एक एंडीवर कार है जिसमें कि वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। और रही जो आप आइस की बात जो पूछ रहे थे जो जिसे हम मेथैम्फेटामिन कहते हैं, ये एक बहुत ही पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स होता है और ये एक रिक्रिएशनल ड्रग हम इसे कहते हैं जिसे कि ज़्यादातर रेप पार्टी और बड़े बड़े जो पार्टियां होती हैं बॉम्बे वगैरह, अब बॉम्बे में पार्टी तो कहीं भी हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको किसी चीज़ से लिंक ना करें मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ये ड्रग है, रिक्रिएशनल ड्रग है और इसे बहुत ही पोटेंट ड्रग है, पोटेंट एंड डेंजरस ड्रग है जिस जो कि पहले भी 2017 से अगर हम आज तक अभी देखें पिछले 4 सालों में तो आइस की भी जो रिकवरी है, जो खेप है, बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है। अभी तक 1 किलो 2 किलो तक मैक्सिमम पकड़ी गई थी पीछे, लेकिन ये 6 केजी आइस अपने आप में एक बड़ी रिकवरी। कहाँ से आइस वगैरह, ये आप सोर्स कहाँ से इसका, जैसे हीरोइन तो अफगानिस्तान? हाँ, ये जरूर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो सोर्स ऑफ ड्रग्स तक पहुँचना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एसटीएफ वैसे भी हमेशा ये कोशिश करती रही है कि जब भी कोई कंसाइनमेंट्स पकड़ी जाती है तो हम उसमें उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को हम जरूर एस्टेब्लिश करते हैं सो दैट कि एक तो ओरिजिन ऑफ ड्रग्स तक हम पहुँचे और एंड यूजर तक हम पहुँचे। नहीं, अभी हम इसकी पूछताछ में हमें पता लगेगा कि ये आखिर इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था और वो पीछे कहाँ से आ रही थी, चूँकि एक सिंथेटिक ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग
क्लैंडेस्टाइनली जिसको कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था, उसके प्रीकर्सर्स क्या जो होते हैं वो कहाँ से लिए उन्होंने, ये सारी चीज़ें इट्स अ सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। उस तफ्तीश में मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो पहले भी सप्लाई करते थे ड्रग्स वगैरह या कुछ नए क्रिमिनल हैं? नहीं, इसमें ये अभी तक की तफ्तीश में आया है कि पहले भी इन्होंने कई खेप जो है उन्होंने सप्लाई की है। उसमें से एक मुल्ज़िम ऐसा है जिसके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी डिटेल्स हम अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.